हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है साइंस पेडागोजी की क्लास में। आप लोगों की आज से साइंस पेडागोजी की क्लास स्टार्ट हो गई है, यानी पेपर टू। सीटेट में जो पेपर टू होता है उसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई है, खासकर पेडागोजी की। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है जल्दी से, फटाफट सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाओ ताकि पता लगे भाई की क्लास स्टार्ट हो गई है। फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई कितने बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं। हां जी, और आज ही हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइंस में। ठीक है, अभी आ गए हैं कुछ बच्चे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई ऑनलाइन। अनु, प्रियंका, सरिता, प्रिया, ऋषि, रोशन, रेशमा, रानी, काफी बच्चे आ गए हैं भाई अब ऑनलाइन। ठीक है, तो भाई आज फर्स्ट क्लास है आप लोगों की पेडागोजी की, साइंस पेडागोजी की। अब डेली ही चलेगी ऑलमोस्ट, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है भाई। हाँ, तो भाई आप लोग काफी बच्चे वेट भी कर रहे होंगे कब पेडागोजी की क्लासेस होंगी। चलो भाई करें फिर स्टार्ट। गुड इवनिंग सभी को, शालिनी, सनोज, प्रीति और भी काफी बच्चे आ गए हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो, फर्स्ट क्लास है। कई बच्चों को बहुत सारी चीजों में डाउट्स होते हैं, अगर वो चाहते हो तो पूछ सकते हो। कहीं कोई कंफ्यूजन हो एग्जाम से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, या भाई कुछ और भी आप लोगों की प्रॉब्लम होती है पढ़ाई से रिलेटेड। मैं, मेरा आर्ट बैकग्राउंड है तो मुझे एसएसटी की पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा क्या? देखो मैं क्या कहना चाह रही हूं, बैकग्राउंड चाहे कोई भी हो, ये बात आज मेरी ध्यान सुन लेना, बैकग्राउंड चाहे कोई भी हो, पेडागोजी पेडागोजी होता है। ठीक है, देखो मैं क्या बताना चाह रही हूं, पेडागोजी पेडागोजी है ना, चाहे आप साइंस की पढ़ो, चाहे ईवीएस की पढ़ो, चाहे मैथ्स की पढ़ो, चाहे भाई एसएसटी की पढ़ो, चाहे इंग्लिश की पढ़ो, चाहे हिंदी की पढ़ो, चाहे सीडीपी वाली पेडागोजी पढ़ो, पेडागोजी पेडागोजी होती है। हर टॉपिक सेम सेम से ही होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जितनी अच्छी ज्यादा रिविजन करने का टाइम मिले वो इनफ है। तो हर पेडागोजी हर बच्चे के लिए, टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो पेपर सेकंड हो। ठीक है, हाँ हाँ, देखो ये मत पूछो पेपर फर्स्ट के लिए पेपर सेकंड के लिए, बात ये है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 101% 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हाँ भाई शालिनी, आपका आर्ट है लेकिन साइंस पेडागोजी भी कर सकते हो और आपको करनी भी चाहिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है। और कोई डाउट? कई बार बच्चे पूछते हैं मैडम एक बात बताओ, ये पेपर फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर सेकंड के लिए, बात ये है कि टॉपिक है वो हर पेडागोजी में पूछा जाता है। इवन आपके सीटेट के बाद कोई DSSSB का एग्जाम आएगा, सुपर टेट का एग्जाम आएगा, उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करेंगे। आर्ट्स वालों के लिए भी जरूरी है भाई ये टॉपिक जो आज मैं कराने वाली हूं। ठीक है, ये टॉपिक हमेशा ही आता है एग्जाम्स में, जो टॉपिक्स मैं कराती हूं ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में कराऊं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर नहीं आता क्वेश्चन जितना हम करा देते हैं यहां पर। ये पेपर टू और वैसे तो पेपर टू है साइंस, बट अगर पेपर फर्स्ट वाले भी इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई फटाफट से। अब काफी बच्चे आ गए हैं,
करें भाई, कितने नंबर की पैडागोजी आती है? हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पैडागोजी आती है। और जो टॉपिक्स मैं कराती हूँ ना, ये ध्यान रखना, ये आपके हर टीचिंग सीटेट के बाद वाले भी हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करो, ताकि नोट्स एक बार तो आप लिख लोगे, फिर बार बार उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा, और जितना लिख के याद करोगे ना उतना दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन भी हम करेंगे भाई प्रीवियस ईयर के, ये मत सोचो हम प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, पर पहले टॉपिक्स करेंगे फिर साथ में उसके प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। हाँ चलो, आज हम टॉपिक करने वाले हैं, साइंस पेडागोजी की क्लास है, इसमें हम टॉपिक करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा आज हम टॉपिक करने वाले हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो, समावेशी के नाम से हमें क्या पता चलता है, कौन बच्चा बताएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन, आज की एजुकेशन कौन सी है? इंक्लूसिव, समावेशी शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एक साथ एक छत के नीचे सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूल कैसा होता है? रेगुलर, ठीक है। कोई कभी भी हमें बच्चे को विशेष स्कूल नहीं भेजना चाहिए, सामान्य स्कूल में ही पढ़ना पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को भी तो बाद में समाज में ही रहना है। शुरू से ही सारे बच्चे अगर एक साथ पढ़ेंगे तो उन्हें एक दूसरे को स्टार्टिंग से ही एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हर प्रकार के बच्चे को एक साथ एक छत के नीचे सामान्य स्कूल में, सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाता है। कौन सी शिक्षा है वो? समावेशी शिक्षा। एक बार देख लेते हैं, ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे नियमित स्कूल में एक साथ, नियमित स्कूल, स्कूल कैसे? रेगुलर, एक साथ कक्षा में पढ़ते हैं। अतः ऐसी शिक्षा जिसमें बालक उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं, देखो समावेशी शिक्षा है कि जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा का अवसर मिले, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस जहां पर आ जाता है ना वर्ड, इसका मतलब वो एजुकेशन है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा है तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, बच्चों के अनुसार शिक्षा। हाँ, चाहे वो अच्छा डिसेबल्ड हो, शालिनी ने बिल्कुल सही बताया है, सबके लिए समान शिक्षा, ऑल स्टूडेंट चाहे वो डिसेबल्ड ही क्यों ना हो, सबके लिए एक जैसी शिक्षा, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन, अब लिख सकते हो आप लोग, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा में कितने प्रकार के बच्चे हैं? बौद्धिक विभिन्नता, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, सामाजिक भिन्नता यानी कि सोशल डिफरेंस, शैक्षिक, एजुकेशनल, एजुकेशन डिफरेंसेस, लैंग्वेज डिफरेंसेस, या भाई अधिगम, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। ये सारी शिक्षा, इसमें हर प्रकार का बच्चा होता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी, चाहे वो हाई आईक्यू वाला हो, चाहे वो लो आईक्यू वाला हो, सभी को एक साथ पढ़ाने का अवसर मिलेगा। किसी भी बच्चे को हम विशेष स्कूल में नहीं भेजेंगे, कैसे स्कूल में भेजेंगे? सामान्य। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब हुआ कि हर बच्चे की जरूरत अलग अलग होगी, तो बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत सारे प्रकार के बच्चे होंगे, ठीक है। और बच्चों को शिक्षा उनके अनुसार मिलनी चाहिए, ये भी है इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब, ठीक है। इसे बोला जाता है मुख्य धारा की शिक्षा, मुख्य धारा की शिक्षा, मेन स्ट्रीम एजुकेशन, मेन
स्ट्रीम एजुकेशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जरा सा देख लो भाई, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव वर्ड कौन सी भाषा का है? स्पेनिश भाषा का शब्द है, स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन सी भाषा का शब्द है भाई? स्पेनिश, ठीक है। और हमारा जो एनसीएफ है, हमारा जो एनसीएफ है 2005, वो भी इसी शिक्षा की बात करता है। और आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 भी इसी शिक्षा की बात करता है, ठीक है। आरटी एक्ट 2009 में भी बोला गया है शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव, समावेशी होनी चाहिए। और एनसीएफ 2005 भी इसी शिक्षा को अपनाने की बात करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है भाई इसमें। देखो, नाउ डिसेबल वर्ड इज यूज फॉर दीज चिल्ड्रन। अब हम इन बच्चों को ना क्या बोलेंगे, डिसेबल्ड, यानी कि दिव्यांग शब्द यूज किया गया इन बच्चों के लिए। क्या? दिव्यांग शब्द हम यूज करेंगे। और ये शब्द किसने दिया है? पीएम मोदी ने अक्टूबर 2016 में इन बच्चों को संबोधित किया, किस नाम से? दिव्यांग शब्द से। इनके लिए बहुत अच्छा शब्द है दिव्यांग। दिव्यांग क्यों बोला गया? देखो क्या होता है, अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग से अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाएंगे, डिसेबल बच्चे को अलग स्कूल में, नॉर्मल बच्चे को अलग, हाई अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों को अलग, पर बाद में क्या होता था, सभी बच्चों को रहना तो समाज में एक साथ ही है ना। 18 साल बाद जब वो एक साथ समाज में आते थे, तो बच्चे ना डिसेबल्ड बच्चों के साथ, या फिजिकली डिसेबल्ड हो, मेंटली डिसेबल्ड हो, इन बच्चों के साथ एडजस्ट करने में उनको बड़ी दिक्कत होती थी, ठीक है। तो बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, जिनसे इन बच्चों की फीलिंग हर्ट होती थी। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आया कि स्टार्टिंग से ही सभी बच्चे को एक साथ रखो, उन्हें भावना ही नहीं आएगी कि ये बच्चे अलग हैं, ये भी हम जैसे ही हैं। स्टार्टिंग से अगर हम उनके साथ रह लेंगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, वो बच्चे एक साथ रहना सीख जाएंगे, दूसरे बच्चों की भावना को मतलब कि दूसरे बच्चे की भावना को ठेस नहीं पहुंचेगी, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, अब आगे देखते हैं इन बच्चों को, इसमें कौन कौन से बच्चे, इनके लिए एक वर्ड भी यूज होता है CWSN, ये फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इन बच्चे, ये वो बच्चे होते हैं जिनकी नीड थोड़ी स्पेशल होती है, ठीक है, इनको थोड़ी सी अलग से स्पेशल चीजें चाहिए, बस वैसे नॉर्मल है, ये नॉर्मल ही है, बस इनकी नीड थोड़ी स्पेशल है, इसलिए इनको एक वर्ड से पुकारा जाता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, डिफरेंटली एबल, ये दूसरे तरीके से एबल्ड है, हमने इनको डिसेबल, एबल, डिफरेंटली एबल, दूसरे प्रकार से, विभिन्न प्रकार से योग्य बच्चे हैं ये। हैंडीकैप्ड, आगे हम पढ़ेंगे हैंडीकैप्ड, इंपेयरमेंट, इसको हटाओ, इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी, ये शब्द हम आगे पढ़ेंगे क्या है इनका मतलब, आगे है इसमें। 1994 में क्या हुआ था, 1994 में सालामांका शहर, समावेशी शिक्षा पर एक सम्मेलन हुआ। सालामांका शहर कौन से देश का शहर है? स्पेन का। यहां पे क्या हुआ, समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी प्रकार के बच्चे की शिक्षा। इसमें क्या हुआ था, चार सुविधाओं की बात करी गई थी इस सम्मेलन में, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सम्मेलन हुआ था, उसमें चार ही प्रकार की शिक्षा के बारे में, इसमें चार फैसिलिटी, रैंप हो, सीढ़ी की जगह एसिलेटर होना चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट होने चाहिए, पोर्ट सपोर्टर होने चाहिए, असर्टिव डिवाइस होनी चाहिए। असर्टिव डिवाइस को स्टूडेंट डिवाइस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टूडेंट डिवाइस, यानी कि जैसे कि आता ना साइंस किट हो गया, साइंस किट, मैथ्स किट, साइंस किट, मैथ्स किट,
स्पोर्ट्स किट, बच्चा जो पढ़ते समय साधन का यूज करता है उसको बोला जाता है स्टूडेंट किट्स। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट डिवाइस को क्या बोला जाता है, असर्टिव डिवाइस, और टीचिंग डिवाइस को क्या बोला जाता है, टीचिंग एड्स का दूसरा नाम क्या है। स्टूडेंट एड को तो असर्टिव डिवाइस बोला जाता है, और टीचिंग एड को बताओ भाई क्या बोला जाता है, टीचिंग एड्स या टीचिंग टूल्स को बोला जाता है भाई सप्लीमेंट्री डिवाइस, सप्लीमेंट्री डिवाइस। ठीक है, सप्लीमेंट्री टूल भी हम इसको बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री टूल मतलब कि संपूरक, संपूरक साधन, इनको टीचिंग एड्स बोला जाता है। जब टीचर अपने कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए जिन डिवाइस का यूज करता है उसको सप्लीमेंट्री डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, पोर सपोर्टर का मतलब होता है यहां पर इन बच्चों के लिए, इनके सपोर्टर के लिए, कई बार इन्हें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है तो इनके सपोर्ट के लिए कुछ हेल्पर्स यहां पर होने चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो, कई बार क्वेश्चन आता है इंक्लूसिव एजुकेशन में कितने प्रकार के बच्चे होते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल भी स्टूडेंट भी होंगे, जनरल स्टूडेंट भी होंगे, जनरल और स्पेसिफिक, स्पेशल, स्पेशल चाइल्ड। जनरल स्टूडेंट्स भी होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स भी होते हैं, और स्पेशल स्टूडेंट्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है, 90 से 120। नॉर्मल स्टूडेंट्स का आईक्यू कितना होता है भाई, 90 से 120। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, और विशिष्ट जो बालक होते हैं, विशिष्ट स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं भाई, जो बच्चे स्पेशल होते हैं, उसमें दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो हाई आईक्यू वाले, एक लो आईक्यू वाले। ठीक है, हाई आईक्यू गिफ्टेड स्टूडेंट यानी कि मेधावी बालक, जिनका आईक्यू 120 से ऊपर होता है उन्हें मेधावी बच्चे बोला जाता है, और जिनका आईक्यू 70 से कम होता है उन्हें मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन बोला जाता है। जिनका आईक्यू 70 से कम है ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें सामान्य कक्षा में पढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, इनको सामान्य कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता, पर फिर भी इनको सामान्य कक्षा में ही पढ़ाना है। देखो क्या है, इसमें भी चार प्रकार के बच्चे आते हैं, देख लो। पहला है माइल्ड मेंटली रिटार्डेड, अल्पबल मानसिक विकार, इसका आईक्यू है 52 से 70। ठीक है, दूसरा है मॉडरेट, मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड, सामान्य मानसिक विकार, इसका आईक्यू है 36 से 51। तीसरा है सेवरल मेंटली रिटार्डेड, गंभीर मानसिक विकार, आईक्यू है 25 से 35। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड, गहन मानसिक विकार, ये वो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू 0 से 25 होता है। अब एक बार देख लेते हैं क्या है ये जो बच्चे, ये दिख रहा होगा भाई आप सभी को, ये चार जो प्रकार के हम बच्चे पढ़ रहे हैं। माइल्ड मेंटली रिटार्डेड का आईक्यू है 52 से 70, ये वो बच्चे हैं। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिनको हम ट्रेनेबल स्टूडेंट बोलते हैं। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिनको हम ट्रेनेबल, प्रशिक्षण योग्य बालक होते हैं, यानी कि अगर इन बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं तो ये बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और ये किसी भी कार्य को कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी कोई मिल गया, उसमें ऋतिक रोशन जो है वो इसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, माइल्ड मेंटली रिटार्डेड, यानी कि हम इन बच्चों को अगर ट्रेनिंग दे, प्रशिक्षण दे, तो ये किसी भी कार्य को कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड, इनको भी ट्रेनेबल स्टूडेंट बोला जाता है। देखो इनको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं बट इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनमें ट्रेनिंग के बाद भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता।
ठीक है। और क्या है ये सेवरल मेंटली रिटार्डेड, प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड, ये दोनों नर्सिंग केयर चाइल्ड हैं, नर्सिंग केयर चाइल्ड, यानी कि इनको बोला जा, इनको हमेशा केयर टेकर की जरूरत होती है, इनको हमेशा किसकी जरूरत होती है, केयर टेकर की जरूरत इन बच्चों को हमेशा होती है, ठीक है। यानी कि ये अपना कार्य खुद भी नहीं कर सकते, इनको अपना काम करवाने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है, हमेशा ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, देखो इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है, माय सेवरल और प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड में जो गंभीर मानसिक विकार वाले बच्चे हैं, यानी कि जो ये वो बच्चे हैं, इनके सेंस ऑर्गन फुली डैमेज नहीं होते। अगर आप इनको पिन चुभाओगे तो ये रिएक्ट करेंगे, धूप में बिठाओगे तो ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इनके क्या है, इनके सेंस ऑर्गन डैमेज नहीं होते, पर जो प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं इनके क्या सेंस ऑर्गन फुली डैमेज होते हैं, फुली डैमेज सेंस ऑर्गन, लिख ले क्वेश्चन आ सकता है, सेंस ऑर्गन फुली डैमेज, ज्ञान इंद्रियां पूरी तरीके से खराब होती है। आप इनको घंटों तक धूप में भी बिठा दोगे ना तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ना फील ही नहीं होगा, ठीक है। आप इनको पिन चुबाओगे तो भी फील नहीं होगा, आप इनको थप्पड़ मारोगे रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके सेंस ऑर्गन फुली डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, हमने सामान्य समावेशी शिक्षा में दो प्रकार के बच्चे होते हैं, सामान्य और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में दो होते हैं, गिफ्टेड और माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड भी चार प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है, इंक्लूसिव बच्चे में किस किस प्रकार के बच्चे होते हैं, अब आगे देखते हैं भाई क्या है। आईक्यू का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। आईक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, इधर लिख देती हूं, बुद्धि लब्धि, इसको हिंदी में बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन। हेलो, अब आ गई होगी भाई आवाज, आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है या नहीं, फटाफट से बताओ आवाज आई है नहीं। बैटरी ठप हो गई थी भाई माइक की,
आवाज आ गई है, मतलब अब तो आ रही है ना। हाँ चलो ठीक है, अब आ रही है। देखो आप कई बार क्वेश्चन आता है आईक्यू, आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया? आईक्यू का कंसेप्ट दिया था टर्मन ने। टर्मन कहां के मनोवैज्ञानिक? देखो कई बार क्वेश्चन आता है आईक्यू शब्द का प्रयोग करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन है? पहले मनोवैज्ञानिक है विलियम स्टर्न, जर्मनी के निवासी हैं। उन्होंने 1912 में आईक्यू के सुझाव का, आईक्यू के सुझाव का प्रयोग के सुझाव का प्रयोग का सुझाव दिया। हुआ क्या, 1916 में स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण बना, किसने बनाया? टर्मन ने, ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने बनाया कौन सा टेस्ट? स्टैनफोर्ड बी ने टेस्ट। उसमें आईक्यू का प्रयोग किया सबसे पहले, तो आईक्यू का प्रयोग करने वाले सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे टर्मन, ठीक है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया एमए अपॉन में सीए। एमए क्या होती है? मेंटल एज, सीए अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। देखो अब क्या है, जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा है, उसका एमए है 16, उसका सीए भी है 16, तो आप उसका आईक्यू निकालो क्या आएगा बताओ, फटाफट निकालो। बताओ क्या होगा? एमए है एक बच्चा है, जैसे कि ए एक बच्चा है, उसका एमए है इतना, सीए है इतना, तो आईक्यू कितना होगा? हां जी अब है, हो गया है कंप्लीट। देखो अब देखो क्या है, 16 मल्टीप्लाई 100 से इससे को काटा 100, 100 आईक्यू, यानी कि एवरेज आईक्यू है बच्चा। बच्चा कैसा है? एवरेज, औसत है बच्चा, ठीक है। अब यही बच्चा है ए, इसका एमए है 16, इसका सीए है 25, तो आप लोग इसका आईक्यू निकालो क्या होगा, बताओ इसका आईक्यू का क्या होगा? ये क्वेश्चन आएगा 101% आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन 101% आएगा भाई, अब की बारी, ध्यान रखना। बताओ, हां जी राहुल, मैंने बताया था क्लास में आपको, देखो बच्चों ने गलत किया, बच्चों ने क्या किया, 16/25 मल्टीप्लाई 100, यानी कि देखो 25 से ये कट गया 4 पे, 16 × 64 आईक्यू आया, ठीक है। अब देखो जब ये बच्चा 16 साल का था, इसका आईक्यू 100 आ रहा है, यानी कि एवरेज है, जब ये 25 का हुआ तो ये तो मेंटली रिटार्डेड हो गया, ये गलत है, इसको हम कभी भी इस तरीके से नहीं निकालेंगे, ये क्या है, गलत। इसको हम कैसे निकालेंगे आईक्यू को, 16/16 मल्टीप्लाई 100 काट दिया, यानी कि ये बच्चा अभी भी इसका आईक्यू 100 ही है। अब खुद सोचो, आज कोई बच्चा नॉर्मल है, आईक्यू उसका सही है, जैसे ही उम्र बढ़ती है वो उसका आईक्यू घटता चला जाए, एक बार तो उसका आईक्यू 0 से भी कम आ जाएगा, ऐसे अगर हम आईक्यू निकालेंगे तो ये क्या कंसेप्ट आया था, एक ये कंसेप्ट दिया था जिसमें बताया कि अगर बच्चे का क्रोनोलॉजिकल एज 16 से ज्यादा दे रखा है तो हमेशा उसको 16 मानकर ही कैलकुलेट करना है। अगर बच्चे का सी क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु 16 से ज्यादा दे रखी है तो हमेशा उसको 16 मानकर ही कैलकुलेट करना है, अगर 16 से कम दे रखी है तो उसको उतना ही मानेंगे। अगर देखो 14 होती तो उसको हम 14 मानते, 15 है तो 15 मानेंगे, 16 है तो 16 मानेंगे, पर अगर 17 है तो भी हम उसको 16 मानेंगे, 20 है तो भी हम 16 मानेंगे, 50 है तो भी हम उसको 16 ही मानकर उसका आईक्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लो भाई इसको थोड़ा सा, आगे चलते हैं। हाँ देखो इसमें एक बात और लिखी थी, एमआर जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनका फंक्शन ब्रेन बहुत स्लो काम करता है, और वो इन बच्चों को बस हम 18 साल तक ही हम इनकी पहचान करते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं 18 साल तक हम इनको पहचान सकते हैं, डेवलपमेंटल पीरियड बोला जाता है, 18 ईयर के डेवलपमेंटल पीरियड हम इसको बोलते हैं, इस पीरियड में तो हम बच्चे को पहचान सकते हैं,
पर अगर बच्चा 18 से ऊपर हो जाता है तो बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो अपनी डिसेबिलिटी को छुपा सकता है, तो हमें बच्चे की डिसेबिलिटी को पहचानने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मेंटली इल यानी कि जो दिमाग की दिमाग से बीमार होते हैं उनको मेंटली इल बच्चा बोला जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम इन अवर कंट्री, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसे कैसे आया एक बार देख लेते हैं। भाई थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फिर हमें थोड़े क्वेश्चन भी करने हैं। अब देखो हुआ क्या, पहले आया था नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बच्चे पढ़ेंगे, कोई भी विशिष्ट बालक नहीं पढ़ेगा। पहले ऐसे होता था हमारे देश में, स्कूल में सिर्फ नॉर्मल बच्चे पढ़ते थे, विशिष्ट बच्चों को पढ़ाते ही नहीं थे। अब दूसरा सिस्टम आया स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, यानी कि स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ स्पेशल बच्चे स्पेशल में पढ़ेंगे, जो स्कूल स्पेशल होंगे उनमें सिर्फ स्पेशल बच्चे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा है इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, इसमें क्या थी, इसमें एजुकेशन में दोनों टाइप के बच्चे होंगे, सामान्य भी और विशिष्ट भी। ठीक है, देखो फिर आया इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव में भी सारे बच्चे होंगे, नॉर्मल भी और स्पेसिफिक चिल्ड्रन भी होंगे, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या था, फैसिलिटी का। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन आई थी उसमें क्या था, फैसिलिटी बच्चे को पूरी नहीं दी गई थी, दो चार फैसिलिटी दे दी। ठीक है, तो बच्चे को ना पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कत आती थी, स्कूल में उसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था एजुकेशन के लिए। फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन, बच्चे को फुल फैसिलिटी दो, जितनी बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी है उसको पूरी सुविधा दो, उसको लगे ही ना कि उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है और ना उसको शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत आए। ठीक है, हाँ देखो नीलम आईक्यू क्या का कंसेप्ट ये था, अगर किसी बच्चे का सीए क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु 16 से ज्यादा दे रखा है तो हम हमेशा सीए को 16 मानकर कैलकुलेट करेंगे, एमए जितना दे रखा है उसको तो उतना ही मानेंगे, पर क्रोनोलॉजिकल एज को हमेशा अगर 16 से ज्यादा दे रखी है तो हम उसको 16 मानकर ही कैलकुलेट करेंगे, अगर 16 से कम है तो उतना ही मानेंगे, पर 16 से ज्यादा है तो उसको 16 मानेंगे। अगर देखो सीए है 12 तो हम 12 मानेंगे, 14 है तो 14, 15 है तो 15, 16 है तो 16, अगर 20 है सीए तो हम उसको 16 मानेंगे, 25 है तो भी हम उसको 16 ही मानेंगे। ठीक है, तो ये बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड में भी दोनों प्रकार के बच्चे होंगे पर सुविधाएं पूरी नहीं दी गई थी बच्चे को, और इंक्लूसिव में भी दोनों प्रकार के बच्चे होंगे पर उसको पूरी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने में कोई भी हर्डल ना आए, मुसीबत का सामना ना करना पड़े। देखो आगे पढ़ेंगे रिपीट मुन्ना, अभी पढ़ेंगे। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस आ गया ना, आईईडीसी, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आईईडीसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, फुल फॉर्म है इसकी, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात होगी, एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। अब इसमें है आईईडीएसएस, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, हां जी शालिनी, बिल्कुल लेंगे भाई। चलो देखो पढ़ने पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा अब हमें टॉपिक्स कवर अप करने हैं ना। हाँ देखो, जो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, आई कब थी, 1974 में, इंटीग्रेटेड एजुकेशन पहली से आठवीं कक्षा तक आई थी, इसमें कुछ सुविधाएं दी गई थी जैसे कुर्सी देगी, वैशाखी दे दी बच्चों को। 1997 में एकीकृत शिक्षा 1997 तक चली, उसके बाद इसको एसएससी में मिला दिया, एसएससी का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, और इसका हेड कौन है, एसजेईएम, एसजेईएम यानी कि एसजेईएम की फुल फॉर्म ये है,
इन दोनों के ही हेड सेम है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, अब देखो इंक्लूसिव एजुकेशन कब शुरू हुई थी, 2009 में, जब हमारा आरटीई एक्ट 2009 आया था, उसी के तहत हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन आई। ये कौन सी कक्षा थे, पहली से बारहवीं तक, इसमें बच्चे को पूरी सुविधाएं होगी, अभी भी ये चल रही है। ठीक है, एम था 2020 तक सभी स्कूल को दिव्यांग फ्रेंडली बनाना, यानी कि दिव्यांग फ्रेंडली की हर बच्चा नॉर्मल स्कूल में फुली एडजस्ट हो जाए, इस ऐसे बनाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते, ये किसी को दिक्कत है तो भाई पूछ लो, इसमें नहीं है फटाफट रिप्लाई करो। देखो जूही, अगर एमए 20 दे रखा है तो सीए भी तो दे रखा होगा, या आईक्यू दे रखा होगा, आईक्यू दे रखा है तो सीए निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे आओ, नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी CWSN, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बच्चों के लिए। ये कब लागू हुई थी, 10 फरवरी 2006 से ये लागू हुई थी, और इसमें 4% शिक्षण आरक्षण लोगों को मिला था। कितने परसेंट का, 4% का रिजर्वेशन बच्चों को मिला था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर 1981 से विश्व वर्ल्ड इंटरनेशनल डिसेबल्ड डे। ठीक है, इंटरनेशनल डिसेबल्ड डे कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर, और कब से मनाना शुरू हुआ था, 1981। SSA का फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, जो 2001 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, एक ब्रेल लिपि होती है भाई, क्या होती है ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि किसने दी थी, लुई ब्रेल ने इसको बनाया था 1932 में। कब बनाया था, 1932 में ये आई थी। किस बच्चे के लिए आई थी, दृष्टि बाधित बच्चे के लिए आई थी। दृष्टि बाधित, विजुअली इंपेयर्ड, ठीक है, जिन बच्चों को कम दिखता था उनके लिए क्या होगा, हाँ भाई देख जूही एक बार देख लो, जूही कह रही है एम ए है 20, सी ए दे रखा है 25, तो आई क्यू कैसे निकालेंगे, आई क्यू निकाल दो 20/16 × 100, काटो 4 से, इकड़े 5 में ये कट गया, 4 में, 4 से ये कट गया 25 में, 25 × 25 = 125, बच्चा यानी कि गिफ्टेड है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, जो ये ब्रेल लिपि थी इसमें कैसे बिंदु थे, 6 उभरे हुए बिंदु थे, ऐसे पैने पैने ऊपर से शार्प थे। ये जो ब्रेल लिपि रीडिंग के लिए यूज की जाती थी, लुई ब्रेल की जब डेथ हुई थी उनके ऊपर 2 रुपए का सिक्का जारी किया गया था, और 39 इयर्स में इनकी टीबी की वजह से छोटी ही उम्र में डेथ हो गई थी। पर इनका जो ये प्रयास था ये बहुत सफल रहा, आज तक इस लिपि का प्रयोग करते हैं बच्चों के लिए, तो कितना फायदा है ना उनको भी पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नेक्स्ट, ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसको दिया था एरिक स्कोपलर ने ऑटिज्म बच्चों के लिए एक स्कीम बताई थी, TEACCH, ऑटिज्म प्रोग्राम है, कि 1960 में आया था। इसके फुल फॉर्म ये है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन फॉर ऑटिज्म एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन। ठीक है, ये जो है बीमारी, ये जो डिसेबिलिटी बिहेवियर बेस्ड है, ठीक है, ये कैसी, ऑटिज्म में क्या होता है, ये कम्युनिकेट सोशली बच्चे को
सामाजिक होने में बहुत दिक्कत आती है, बच्चा अपनी बातों को दूसरों से नहीं कहता, बच्चा को बिहेव करना नहीं आता है, ठीक है। तो कम्युनिकेट करने में बच्चे को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट कंसेप्ट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में चार नए कंसेप्ट आए थे, उनका मतलब क्या था, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। देखो, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थान रहित, यानी कि विकलांग बच्चों को विशेष स्कूल ना भेजे, विकलांग डिसेबल्ड स्टूडेंट शुड नॉट बी सेंट इन स्पेशल स्कूल, ठीक है। यानी कि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनको विशिष्ट विद्यालय में नहीं भेजना, इसका मतलब ये है। नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण, यानी कि विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, विशेष बच्चों को किसके साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, सामान्य बच्चों के साथ, ठीक है। फिर आता है LRE, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, LRE का मतलब क्या होता है, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट। देखो, इसके नाम से ही पता चलता है कि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनको जो पढ़ाई के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको दूर करना, उनको पूरी फैसिलिटी दो ताकि उनको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ही ना आए, और ठीक है, ये इसका मतलब है। उसके बाद है मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा, इसको मुख्य धारा की शिक्षा भी बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के, यानी कि सभी विकलांग बच्चे अपने आप को सामान्य बच्चा समझे, कि बच्चा अपने आप को कैसा समझे, अपने आप को कैसा समझे भाई, नॉर्मल, वो समझे ही ना, वो विशिष्ट है, ठीक है। नहीं देखो भाई, क्या है, जो साइंस और SST की पेडागोजी के टॉपिक्स हैं अलग अलग हैं, तो दोनों करनी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ये हमने पढ़ लिया है। डिसेबिलिटी माइल्ड का मतलब है, इनको ट्रेनेबल बोला जाता है, ये हमने पढ़ लिया है, ट्रेनेबल स्टूडेंट, ये भी ट्रेनेबल होते हैं, इनको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस आएगा, इनमें नहीं आएगा। इनको नर्सिंग केयर चाइल्ड और इनको हमेशा केयर टेकर की जरूरत होती है, केयर टेकर की जरूरत होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नर्सिंग केयर चाइल्ड का IQ 0 से 25 होता है, इनकी देखभाल करनी पड़ती है, दे नीड अदर्स फॉर देयर हेल्थ। ट्रेनेबल उनको बोला जाता है जिनका IQ कितना है भाई, 36 से 70 होगा इनका IQ, गलत लिखा हुआ है, इनकी देखभाल की जरूरत हो, इन्हें देखभाल की जरूरत नहीं होती। जो प्रशिक्षण योग्य बच्चे होते हैं अपने काम खुद कर सकते हैं, ठीक है, इनको बस ये लाइन यहां पर गलत लिख दिया भाई, इनको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती, देखभाल की जरूरत नहीं होती। एजुकेबल चाइल्ड, जो बच्चे 50 से 75 के बीच में आए, इनको हम एजुकेट भी कर सकते हैं, इनको अगर हम बार बार ट्रेनिंग देंगे तो ये एजुकेट भी हो सकते हैं, एक चीज को बहुत अच्छे से करना सीख जाएंगे और उसमें अपनी आगे आजीविका भी कमाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब आते हैं रेगुलरली एजुकेबल बच्चे होते हैं जिनका IQ 75 से ऊपर होता है, 75 से 80 आएगा ये, ठीक है। इन बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए हमारे देश में खोले गए हैं, कई बार इनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं और ये कहां पर, ये भी पूछ लेते हैं। जैसे पहला NIVH, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, ये देहरादून में है और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ब्रेल की पुस्तक ये छापता है। अब दूसरा NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड, ये सिकंदराबाद में है, इसको 1984 में खोला था, मानसिकता का इलाज होता है यहां पर, ये बस याद करने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट है
अली युवीर यंग नेशनल डील स्कूल, ये मुंबई में है, 1962 में हुआ था, हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चों के लिए। फिर है डील स्कूल हैदराबाद, ये हैदराबाद में है। नेशनल बोर्ड डिजीज एंड डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, कोलकाता में, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये कहां है, कटक उड़ीसा में है। ये कुछ याद करने वाली चीजें। फिजिकली डिसेबल्ड इंस्टीट्यूट, शारीरिक विकलांग संस्था, नई दिल्ली में है। NHFDC, नेशनल हैंडीकैप एंड फाइनेंस डेवलपमेंट, ये है 1997 में खुला था न्यू दिल्ली में। विकलांग बच्चों को सस्ते दर पर लोन देता है, विकलांग को आर्थिक मदद भी देता है। देखो भाई क्या होता है अंकुश, ये कुछ चीजें ना हम मैंने इसलिए डाल दी हैं, ये चीजें आप खुद से भी पढ़ सकते हो। हालांकि ये चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है, स्लो मैं पढ़ा दूंगी, चलो ठीक है थोड़ा स्लो कर लेते हैं। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ याद करने वाली है, तो ये आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कहां पर है, कब खुले थे, ये पूछा जाता है। अब कोई दिक्कत है तो पूछो। इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा फास्ट किया, क्योंकि ये वाली चीजें सिर्फ याद करने वाली हैं, ठीक है। अब बताओ भाई कहीं दिक्कत आ रही है तो। IQ का मतलब है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अगर देखो आई क्यू में CA क्रोनोलॉजिकल एज 16 से ज्यादा दे रखी है, तो उसको 16 मानकर निकालना, बस इतना याद रखना, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, देख लेना, कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं भाई। अब देखो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, मेधावी बच्चे जो होते हैं, वो उनके लिए 3 प्रोग्राम चलाए गए। कई बार यहां से क्वेश्चन आता है भाई, जो गिफ्टेड बच्चे उनके लिए 3 प्रोग्राम चलाए गए हैं। पहले का नाम है एनरिचमेंट, वर्धन कार्यक्रम, सीग्रेशन, पृथकीकरण, फास्ट एसिलरेशन, तीव्र प्रमोशन, इसको डबल प्रमोशन भी बोल सकते हैं, डबल प्रमोशन, ठीक है। इन 3 प्रोग्रामों को देख लेते हैं आगे क्या है। ये यही 3 प्रोग्राम पूछे गए ऑप्शन में, ऑप्शन में जिनमें ये हो आंसर वही होगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट एनरिचमेंट में होता है कि जिसमें बच्चे को इंडिविजुअल एनरिचमेंट मिले, व्यक्तिगत ध्यान हो, व्यक्ति बच्चे के अनुसार उसकी जरूरतें पूरी करने का प्रयास किया जाए, ग्रुप में काम होना चाहिए, लाइब्रेरी फैसिलिटी होनी चाहिए, शैक्षिक भ्रमण का आयोजन इन बच्चों के लिए होना चाहिए, और इनको जो होमवर्क मिलेगा वो प्रोजेक्ट बेस्ड होना चाहिए। एनरिचमेंट का मतलब होता है कुछ एनरिच, अच्छा बच्चों के लिए, इन बच्चों की जरूरत सामान्य कक्षा में पूरी नहीं होती, ठीक है। ये जो बच्चे होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट, इनको इनकी जरूरतें सामान्य कक्षा में नहीं पूरी होती। देखो एक बात है, हमारे देश में, हमारे देश की बैकबोन बोला जाता है गिफ्टेड स्टूडेंट को, बैकबोन होते हैं एक देश के विकास के लिए गिफ्टेड स्टूडेंट। पर सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए हमारे देश में कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया है, और सब बच्चों के लिए, डिसेबल्ड बच्चों के लिए, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, किसी भी प्रकार से वो डिसेबल्ड है, इन बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ठीक है। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है इनके लिए कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है। इसलिए अगर देखो इन बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रोग्राम अच्छे बनाए, कोई रिजर्वेशन मिले इनको, कुछ फैसिलिटी और अच्छी मिले, तो देखो एक देश कितना अच्छा विकास कर सकता है,
ठीक है। तो देश का विकास इन्हीं बच्चों पर डिपेंड करता है और इन्हीं के लिए कोई सुविधा हमारे देश में नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। आगे देखते हैं, सीग्रेशन का मतलब होता है स्पेशल क्लासेस देना, कुछ एक्स्ट्रा क्लास में बच्चों को पढ़ाओ ताकि इनकी जो जरूरत है वो भी पूरी हो सके। प्रिपरेशन, इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराओ। क्लब फॉर्मेशन, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स इन बच्चों से करवाया जाए। फिर आता है फास्ट एसिलरेशन, अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको स्कूल में जल्दी एडमिशन कराओ, और बीच में वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि तीसरी का बच्चा छठी में बहुत छठी के काम बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उसको पहले तीसरी से चौथी में, चौथी से पांचवी में जल्दी से उसका प्रमोशन करो, उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, गिफ्टेड स्टूडेंट, ये हमने अभी पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, देखो एक होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है, देखो इसका मतलब समझना, कोऑपरेटिव लर्निंग उस लर्निंग को बोलते हैं जिसमें बच्चे ग्रुप में आपस में एक दूसरे से पढ़ते हैं। किसमें? ग्रुप लर्निंग करते हैं, एक बच्चा दूसरे को सिखाएगा, वो दूसरे से सीखेगा, यानी कि बच्चे आपस में सीखते हैं, इसको बोला जाता है कोऑपरेटिव। एक बच्चा दूसरे को सिखाएगा और दूसरे से सीखेगा। देखो भाई अंकुश, आईक्यू 120 से ऊपर है ना, तो वे सारे ही बच्चे गिफ्टेड हैं। 120, 125, 130, 140, ये सारे ही बच्चे गिफ्टेड हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा है 140। ठीक है, अब आ जाता है, ये समझ में आए ना, सहकारी अधिगम, जिसमें बच्चे का अधिगम दूसरे बच्चे आपस में मिलजुल कर पढ़ते हैं, सोशल लर्निंग करते हैं, एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। नेक्स्ट, पीयर ट्यूटरिंग, इसका मतलब क्या होता है, जिसमें सहपाठी से सीखना और सिखाना। कई बार होता है ना, एक हमारा कोई पार्टनर होता है, कुछ वो मुझे सिखाता है, कुछ वो हम उससे सीखते हैं, तो इसको पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं। ठीक है, सहपाठी से सीखना, अपने बैंक जो मेरे साथ दूसरा बच्चा बैठा था उससे सीखना और सिखाना। इससे क्या होता है, कई बार टीचर क्या करता है, क्लास में एक होशियार बच्चे को और एक कमजोर बच्चे की सिटिंग अरेंजमेंट कर देता है, कमजोर बच्चा को मौका मिल जाता है होशियार बच्चे से सीखने का, और जो होशियार बच्चा है वो जब दूसरे बच्चे को पढ़ाता है तो उसको मोरल बूस्टअप होता है कि हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो दोनों का फायदा हुआ ना इससे, तो ये भी एक अच्छी टीचिंग मानी जाती है। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो भाई पूछो थोड़ा, ताकि पता चले। हां जी भाई, सभी के लिए होगा, चलो ठीक है। एक कोऑपरेटिव लर्निंग होता है जिसमें ग्रुप में लर्निंग करते हैं, सहपाठी में हम अपने पार्टनर से सीखते हैं, ये डिफरेंस क्लियर है। आगे देखते हैं, एक और है, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, आकलन, जिसमें हम बच्चे का मापते हैं, कैसे, उसके हर पक्ष का मापन करते हैं। असेसमेंट दो तरीके से होता है, फॉर्मेटिव और सबमेटिव। ये टॉपिक हम फॉर्मेटिव और सबमेटिव वाला जब हम चैप्टर करेंगे इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, उसमें थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे हम, एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, देखो ऐसा नहीं होता, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि सीखने में अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ेंगे, जैसे कि डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसप्रेक्सिया, डिसफेजिया, डिसमोर्फिया, ये सारी हम पढ़ेंगे।
ठीक है, ये टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि जिनका आईक्यू लो है सिर्फ उन्हीं बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाएगी। लर्निंग डिसेबिलिटी हर प्रकार के बच्चों में पाई जा सकती है, हाई आईक्यू वाले बच्चों में भी लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, ये इसमें लिखा भी है। नेक्स्ट, एक डीपीईपी ये प्रोग्राम चलाया गया था, इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम ये 1994 में आया था। उस टाइम हमारे पीएम कौन थे? नरसिंहा राव। इनका लक्ष्य था 150 पिछड़े जिले एससी एसटी के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध कराना, कि जो ऐसे गांव के एरिया होते थे ना, एससी एसटी के बच्चों को शिक्षा दिलवाना, कमजोर वर्ग को शिक्षा दिलवाना, इनका उद्देश्य था। शिक्षा का प्रचार करना इसके अनुसार। ठीक है, अब आता है देखो, ये एक होती है डिजीज, एक होता है इंपेयरमेंट, एक होता है डिसेबिलिटी, एक होता है हैंडीकैप। इन चारों में क्या डिफरेंस होता है? हां जी निधि, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो जब कोई डिजीज आती है ना, तो उससे बच्चे में क्या आती है? इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट स्ट्रक्चरल होती है, यानी कि शारीरिक स्तर पर। जब हमारे शरीर में कोई शरीर का ऐसा भाग क्षतियुक्त है पर हमें कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो हम उसको बोलेंगे इंपेयरमेंट। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा है, उसका एक हाथ थोड़ा सा टूटा हुआ है, वो काम नहीं कर सकता, तो वो दूसरे हाथ से काम कर रहा है और उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक अंगूठा, दो अंगूठे हैं, एक उंगली नहीं है, शारीरिक स्तर पर डिसेबिलिटी है परंतु बच्चे को कार्य करने में दिक्कत नहीं आती, तो हम उसको बोलेंगे इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट के बाद आती है डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी कि कोई हमारे शरीर में ऐसी इंपेयरमेंट है जिसकी वजह से हमें कार्य करने में दिक्कत आ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिसेबिलिटी। जैसे कि एक पैर में लग गई, बच्चे को चलने में दिक्कत आ रही है, कार्य करने में भी आएगी, तो ये क्या है? उसकी डिसेबिलिटी। और डिसेबिलिटी फंक्शनल होती है, यानी कि जब बच्चे को कार्य करने में दिक्कत आती है तो वो डिसेबिलिटी कहलाती है, और जब बच्चे को कार्य करने में दिक्कत नहीं आती पर वो शारीरिक स्तर पर है, उसको हम बोलेंगे इंपेयरमेंट। अब आता है हैंडीकैप, यानी कि सोशियली सोशल साइकोलॉजिकल होती है ये, यानी कि कई बार कुछ डिसेबिलिटी या कुछ इंपेयरमेंट कुछ क्षेत्र में तो हमें कार्य करने में डिसेबल्ड बनाती है, पर कुछ कार्य में वो हमें अपॉर्चुनिटी भी देती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा हकलाता है तो वो एक अच्छा सिंगर नहीं बन सकता, एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, स्पीकर नहीं बन सकता, पर वो अच्छा कुक बन सकता है, अच्छा डांसर बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ डिसेबिलिटीज कुछ क्षेत्र में हमें डिसेबल्ड बनाती है और कुछ क्षेत्र में हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन भी होता है। हाँ देखो, विनीता कह रही है, मैम मेरा एक फ्रेंड है, उसके एक पैर नहीं है पर उसको कार्य वो फिर भी सब कुछ अच्छे से करता है, यानी कि वो इंपेयर है, पर उसको डिसेबिलिटी नहीं बोलेंगे। बच्चा क्या है? इंपेयर, क्षतियुक्त है, पर उसको कार्य करने में दिक्कत नहीं आ रही, परंतु अगर उसको कार्य करने में दिक्कत आती है तो वो उसकी डिसेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सोनी आपका क्या क्वेश्चन था? देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी होती है अधिगम निर्योग्यता, यानी कि बच्चे को अधिगम करने में कोई दिक्कत आती है, या अधिगम की कोई अधिगम करने के योग्य बनने से रोक रही है, तो उसे हम अधिगम निर्योग्यता बोलेंगे। इस टॉपिक को सोनी हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, जब हम ये टॉपिक थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इंपेयरमेंट कैसी होती है? शारीरिक स्तर पर, जब शरीर का कोई अंग जन्म से या जन्म के बाद विकृत हो या उसमें कोई क्षति आ जाए, पर उससे शरीर में दिक्कत है पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है,
आगे देखते हैं, डिसेबिलिटी ये फंक्शनल होती है, इनएबिलिटी टू वर्क ड्यू टू बॉडीली इनएबिलिटी, यानी कि बॉडी की वजह से अगर हमें किसी कार्य करने में दिक्कत आती है तो हमारी डिसेबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट हैंडीकैप्ड, यानी कि कुछ डिसेबिलिटी हमें कुछ क्षेत्र में डिसेबल्ड बनाती है पर कुछ क्षेत्र में वो हमें क्या बनाती है, अपॉर्चुनिटी देती है। जैसे कि बोलने में दिक्कत होने पर वो लेखक बन सकता है, पेंटर बन सकता है, पैर में दिक्कत होने पर टीचर बन सकता है, सिंगर बन सकता है। ठीक है, अब मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं भाई, ऐसा कोई बच्चा कह ही नहीं सकता कि मैडम आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। विकृति मीन्स करने में जब दिक्कत आती है उसको बोला जाता है विकृति। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। शालिनी, दिव्यांगता का मतलब है डिसेबल्ड। निधि, ये क्लास, निधि जो ये क्लासेस चल रही हैं ये वैसे तो पेपर टू में चल रही हैं, परंतु बात क्या है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन हर एग्जाम की पैडागोजी में पूछ लिया जाता है। अच्छा अभी ना देखो, अब फास्ट नहीं चलेंगे, आज हमने देखो क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, इसमें कितने प्रकार के बच्चे आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या कंसेप्ट आए हैं, ठीक है, कुछ फुल फॉर्म्स हमने पढ़ी है, फिर हमने गिफ्टेड स्टूडेंट पढ़े हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए तीन सुविधाएं दी गई हैं, एनरिचमेंट, सीग्रेशन एंड फास्ट एसिलरेशन, ये कई बार क्वेश्चन आता है, और फिर हमने पढ़ा है क्या, फिर हमने पढ़े हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे, उनको थोड़ा रटना पड़ेगा आप लोगों को, फिर उसके बाद क्या है लास्ट में, हां जी शालिनी, लर्निंग डिसेबिलिटी में आएगा डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, ये सभी हम पढ़ेंगे। और आज हमने क्या पढ़ा है, डिजीज, पहले डिजीज आती है फिर इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट से डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी से हैंडीकैप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखो क्या है, फटाफट आंसर दो भाई। पहला क्वेश्चन है, एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है। अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए तीन प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, उसी में से एक क्वेश्चन आया है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ फटाफट बताओ, फर्स्ट का देखो मैंने अभी, हाँ किसका सही, मुन्ना का सही आंसर है, सृष्टि का सही है। देखो अभी अभी पढ़ा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए डबल प्रमोशन, अभी एक वर्ड बताया था, ये प्रोग्राम चलाया गया है डबल फास्ट एसिलरेशन, डबल प्रमोशन, ये वाला आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उन्हें छोड़ना नहीं है कि कुछ भी करो, नहीं उनके साथ रहना है टीचर को, कभी अकेला नहीं छोड़ना है गिफ्टेड स्टूडेंट्स को। ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को हम कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते, कक्षा नायक के रूप में उनका प्रयोग करना ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये तो कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर टू, समावेशी शिक्षा की सफलता किस बात पर निर्भर करती है बताओ। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उस वो सफल होगा किस बात पर, ये डिपेंड करता है। देखो डबल प्रमोशन का मतलब होता है अगर कोई बच्चा तीसरी में छठी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व कर पा रहा है
तो हाफ ईयर एग्जाम में इसको चौथी में कर दो, चौथी के बाद पांचवी का एग्जाम लो पांचवी में कर दो, ठीक है, डबल प्रमोशन हो गया ना। हाँ, क्या आंसर? ए नहीं, एक समावेशी शिक्षा की सफलता हमेशा टीचर के एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि टीचर को बच्चों को एक्सेप्ट करना है। अगर टीचर ने बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया तो वो उन बच्चों को भी एडजस्ट करा देगा और सारे बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। परंतु अगर टीचर ने ही सभी बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया तो ना तो दूसरे बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, ना ही उन्हें कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी। तो सबसे ज्यादा डिपेंड क्या करता है? टीचर का एटीट्यूड डिपेंड करता है, ठीक है। एक समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए टीचर का एटीट्यूड सबसे जरूरी है कि उन बच्चों को एक्सेप्ट करे। सबसे पहले टीचर को एक्सेप्ट करेगा, अगर टीचर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो कोई भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखो, डिसलेक्सिया है संबंधित, वैसे रीडिंग डिसऑर्डर है ये। क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर। और रीडिंग को, रीडिंग स्किल होती है, रीडिंग स्किल का मतलब होता है पढ़ते पढ़ते चीजों को समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। क्या होगा इसका आंसर? थर्ड का क्या है? ए, बिल्कुल, टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, अवबोधन या समझने में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, समझ नहीं पा रहा है तो रीडिंग, रीडिंग यानी कि डिसलेक्सिया, ठीक है। सही, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही दिया इसका आंसर। प्रिया, पद्मा, सुरभि, सोनी, काफी बच्चे सही आंसर दिया इसका, बट एक बच्चे ने गलत दिया है। वो बच्चा है अभिनव, अभिनव आपने इसका आंसर गलत दिया है भाई, ठीक है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। एक बच्चा आंत को 10 पढ़ता है, मैं अंतर नहीं कर पाता, स्टार्टेड को स्टेयर्ड को स्टार्टेड पढ़ता है, यानी कि पढ़ने में दिक्कत है, वो अंतर नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा फोर्थ का आंसर बताओ भाई? फोर्थ का क्या है? डिसलेक्सिया, बिल्कुल सही भाई। नेक्स्ट, अंजू आपने इसका आंसर गलत दिया भाई, सोनी। आप देखते हैं कौन सा विद्यार्थी अधिगम निर्योग्यता का उदाहरण नहीं है। बस कुछ समय के लिए ध्यान दे पाना, अमूर्त सीखने की सामान्य प्रेरणा, अमूर्त सीखने में कठिनाई, यह समस्या सुलझाने में कमजोर, बताओ क्या आंसर होगा? आंसर बताओ भाई। बताओ क्या होगा? शॉर्ट अटेंशन, कुछ समय के लिए ध्यान दे पाना। देखो, वीक होते प्रॉब्लम सॉल्विंग में सही है, अमूर्त सीखने में कठिनाई होती, ये भी सही है इनके लिए, थोड़े समय तक ही ध्यान दे पाते, यानी ज्यादा समय तक वो एक चीज पर ध्यान नहीं लगा पाते। बच्चा बी, अमूर्त सीखने की सामान्य प्रेरणा, अगर सारे बच्चे जैसे सीख रहे हैं अमूर्त कंसेप्ट को, वो भी वैसे सीख रहे हैं, तो वो डिसेबल है ही नहीं,
वो तो नॉर्मल बच्चे हैं। नाउ नेक्स्ट, विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता, ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, राइटिंग डिसेबिलिटी, हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग डिसेबिलिटी को क्या बोला जाता है, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया को बोला जाता है मैथ्स डिसऑर्डर, कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, शब्द न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट की शिक्षा किस बच्चे से संदर्भित है, स्टूडेंट टेकिंग अ कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन, या वेरी यंग चिल्ड्रन, इसका आंसर बताओ, सेवंथ का। हाँ, एक सेवंथ का आंसर बताओ भाई, सेवंथ का आंसर है क्या, ये बच्चा लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, ये शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए है, यानी कि उनको सीखने में दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी तो इनको सुविधा की जरूरत पड़ेगी, सुविधा की जरूरत पड़ी तो इनको एनवायरमेंट लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव करना है। ऑलमोस्ट सभी ने इसका सही आंसर दिया है, सृष्टि, प्रिया, पद्मा, शालिनी, एक बच्चे ने गलत भी दिया है, पद्मा आपने इसका आंसर गलत दिया भाई। नेक्स्ट, विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से आए बच्चे, बच्चों से सुसज्जित बहुआयामी कक्षा सभी बच्चों के सीखने के अनुभवों को सुदृढ़ करती है, यह कथन सही है क्योंकि यह कक्षा को कई श्रेणियों में बांटती है, सही है क्योंकि बच्चे आपस में मिलकर कई दक्षताओं को सीखते हैं, या असत्य है क्योंकि यह बच्चों में भ्रम की स्थिति पैदा करती है, या असत्य है क्योंकि यह बच्चों में अनावश्यक तुलना को जन्म देता है। तो पहली बात तो स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है, अब ये दो सही वाले ऑप्शन है, इसमें से ज्यादा सही कौन सा है ये आप लोगों को चुनना है, बताओ। मुन्ना ने सही आंसर दिया इसका, इसका आंसर है भाई बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट एकदम सही है, बच्चे आपस में मिलकर कई दक्षताओं को सीखते हैं एक दूसरे से, हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है पेडागोजी ने, पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव आंसर, और कभी भी हमें बच्चों को श्रेणियों में तो बांटना ही नहीं है, स्टेटमेंट ही गलत है, हमें श्रेणियों में बांटना ही क्यों है बच्चों को। नेक्स्ट, विशेष एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड, जो बच्चे होते हैं जिनकी नीड स्पेशल होती है CWSN, उनकी स्कूल से दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालय में, या विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के साथ, सभी कौन सा पता चल गया होगा, क्या होगा इसका बताओ भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट से, आंसर नहीं आ रहा भाई, आंसर दो, एट का। अब नाइन्थ पे आ जाओ, कभी भी हमें विशेष वाला आंसर देना ही नहीं है, सभी बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना है, सामान्य बच्चों के साथ, सभी ने सही दिया है, सुरजीत, सोनी, श्वेता, निभा, विनीता, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही दिया है, हमेशा आंसर रेगुलर स्कूल वाला आएगा, नॉर्मल। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, रिजिड पर्सनैलिटी है, माल फंक्शनल ऑफ सेंस ऑर्गन, या फॉरगेटिंग फुलनेस, बताओ जल्दी से बताओ भाई। पद्मा आपने अभी भी इसका आंसर गलत दिया है भाई, क्यों, आंसर दो, क्या है इसका आंसर,
ए ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट डिसलेक्सिया एक क्या है, ये क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं, तो डिसलेक्सिया एक क्या है, रीडिंग डिसऑर्डर, पठन विकार। डिसग्राफिया क्या, ये भी हम पढ़ चुके, डिसग्राफिया यानी कि राइटिंग डिसऑर्डर। डिसग्राफिया क्या है भाई, राइटिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट एक डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज, जो लैंग्वेज से लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है उसको क्या बोला जाता है भाई, अफेसिया। क्या, अफेसिया बोला जाता है, कई बार डिसअफेसिया भी बोल दिया जाता है। प्राची मैम ये सोशल साइंस, बिल्कुल भाई सोशल साइंस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इवन है। अगर जो क्वेश्चन ये हम क्लास में कर लेते हैं ना, इससे आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो क्लास में टीचर के साथ क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 13th का है बी, सही है। 14th का बताओ, संगीता अवसर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, लिखना लिखना क्या है, डिसग्राफिया, वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट स्वलीन विकार में बच्चा, ऑटिज्म जो एक बीमारी होती है उसमें क्या करता है, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। ये हाथ पैर हिलाने से बॉडीली नहीं है, ये सोशली है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करती है, अक्सर खाने में से मना कर देता है, मूड डिसऑर्डर बोला जाता है इसे, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। नहीं, इसका आंसर क्या है, जो बच्चे को सामाजिक यानी कि दूसरों से बात करने में, दूसरे से अपनी बात कहने में जिनको हेजिटेशन होती है, नहीं कह पाते, संप्रेषण नहीं कर पाते, कठिनाई का अनुभव करते हैं, उन बच्चों को बोला जाता है ऑटिज्म। क्या बोला जाता है, ऑटिज्म। नाउ नेक्स्ट, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या कहेंगे, देखो मना तो कभी करना ही नहीं है, आओ भाई स्वागत है सभी का, वेलकम करना है सभी का, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठाने के लिए कहेंगे, ऐसा भी एक टीचर कभी नहीं कह सकता कि उनको अलग पढ़ाओ, विशेष बच्चों के साथ पढ़ाओ, कोई भी बच्चा विशेष नहीं है, सब एक जैसे नॉर्मल है। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे, देखा अगर कोई बच्चा ऐसा आ जाता तो टीचर की जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों को पढ़ाने का मेथड सीखे कि उन बच्चों को भी पढ़ा सके। नेक्स्ट काइनेस्टिक लर्निंग इन्वॉल्व, काइनेस्टिक जो होती है वो बॉडीली होती है, शरीर और माइंड का कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट है आवाजों को पहचानता है, तीव्र स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाता है, या अनुभव जन्य भाव विकसित करता है, या व्यक्तियों या वस्तुओं से अव्यक्तित संबंध रखता है। इसका आंसर क्या होगा, डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टूवर्ड्स एन एक्सपीरियंस, ठीक है। जो बच्चे काइनेस्टिक लर्नर होते हैं वो अनुभव से सीखते हैं, कैसे, अनुभव से। स्लो लर्नर्स जो होते हैं वो चीजों को करके सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, जब उन्हें अनुभव दिया जाता है तो वो सीख जाते हैं, देखकर नहीं सीख सकते, सुनकर नहीं सीख सकते, पर करके सीख जाएंगे, ठीक है। तो काइनेस्टिक लर्नर जो होते हैं उसमें बच्चे कर सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। नेक्स्ट रिजुल एक गति संवेदक शिक्षार्थी है, काइनेस्टिक लर्नर है, उसकी शिक्षा सुश्री ने उसकी अधिगम शैली को समझती है, उसकी गणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने निम्नलिखित किस व्यू रचना का चयन किया। पहला, सभी पाठों को याद करने के लिए कहना, याद तो करने के लिए कहना ही नहीं है, रटने पर बल कभी नहीं देना, या तीन आदि के गुण प्राप्त करने के लिए दो भिन्न रंगों वाली दो और तीन, ये दो वाली है ये तीन वाली है का प्रयोग किया। तीसरा है कटवां गिनती नहीं, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रति छेदित बिंदु, ये भी कोई अच्छा ऑप्शन है, तो आंसर इज टू। इससे बच्चा क्या है, अनुभव से सीख रहा है, दो छोड़ के दो छोड़ के दो, फिर तीन छोड़ के तीन छोड़ के, यानी कि स्लो लर्नर है, करके चीजों को सीखेगा,
दो दो छोड़ के दो दो गिनेगा तो बच्चा सीख जाएगा। नेक्स्ट 19th, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। अगर बच्चे का ध्यान पढ़ाई में पूरे तरीके से लग रहा है तो वो क्या है, तनावग्रस्त है ही नहीं। तनावग्रस्त बच्चा पढ़ाई में ध्यान इजीली नहीं लगा सकता क्योंकि उसका ध्यान उस तनाव पे रहता है। दूसरा, बहुत बात करना या हाइपर एक्टिविटी या आक्रामक व्यवहार। अब इसका आंसर मुझे कौन बच्चा बताएगा, इसका आंसर दो भाई 19th का। इसका आंसर जिस बच्चे ने दिया, एक ने दिया भी है, शालिनी, प्रीति, प्रिया, नहीं नहीं प्रिया ने गलत दिया, प्रीति ने सही दिया है, शालिनी। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने इसका आंसर डी दिया है, सुरजीत ने सही दिया है, पर डी नहीं है। देखो क्यों नहीं है, पहला ऑप्शन तो गया कट। अगर बच्चे ने पूरा ध्यान लगाया तो बच्चा कभी भी वो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो इसका आंसर डी क्यों नहीं है ये बता देती हूं। देखो ये दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों ऑप्शन का मतलब सेम है ना, हाइपर एक्टिविटी यानी कि हाइपर बहुत अति सक्रिय है, आक्रामक बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, आक्रामक बिहेवियर वो बच्चा करता है जो हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो इन दोनों का मतलब एक ही है इसलिए आंसर नहीं होगा। अब आता है एक्सेसिव टॉकिंग, जो बच्चा ज्यादा बातें करता है, बातों से पता चलता है बच्चा तनाव में है, वो बच्चा ज्यादा बातें करेगा, ठीक है, और वो अगर बातें कर रहा है तो इससे इंडिकेट हो रहा है कि बच्चा क्या है, बहुत ही तनाव में है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पे क्वेश्चन है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार विशेष विद्यालय में भेजना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा, तो विशेष विद्यालय में तो भेजना ही नहीं है, या उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, अलग भी नहीं रखना, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही, यानी कि सहकारी योजना, अगर सी ना होता तो भी आंसर इसका बी ही होता गीता, क्यों, क्योंकि बच्चा जब टेंशन में होता है तो ज्यादा बातें ही करता है, ये उसका एक लक्षण है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसका आंसर बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का आंसर बताओ भाई। इंक्लूसिव एजुकेशन कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, नहीं, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, नो, या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित, शिक्षकों से तो है ही नहीं, यानी कि अलग अलग बच्चे, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे तो उनको स्वागत करती है, उत्सव मनाती है, तो ये है इसका आंसर। पद्मा कह रही है, यस मैम मैं पढ़ाती हूं तो मेरा बच्चा एक वैसा है, बातों नहीं, मतलब समझ नहीं आया, इसका आंसर बताओ भाई। निशा कृपा ने गलत दिया है, मोहम्मद ने सही दिया है, अजीत सही है भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। आज हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, एंड इसके क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी। सारे बच्चे भाई, जो बच्चे देखो, शालिनी कह रहे हैं मेरे 18 सही है, वेरी गुड, किसके कितने सही, अपना आप कैलकुलेट करो,
19वां क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, 19वां। हाँ देखो, अगर कोई बच्चा तनाव में है तो उसका एक सिंबल है, वो ज्यादा बातें ही करेगा, उसका ध्यान कहीं नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो दूसरों से बातें कर अपना ध्यान इधर उधर घुमाता है, ठीक है। मुन्ने के 14 सही है। वंदना ये बात याद रखो कि अगर कोई बच्चा तनाव में है तो वो बातें ज्यादा करता है तनाव को दूर करने के लिए, ठीक है, अपना ध्यान इधर उधर लगाता है, बिजी रखता है और बातों में, कि उसका ध्यान उसकी प्रॉब्लम पर जाए ही ना। ओके, प्रिया के 15 सही है भाई, एटलीस्ट 18 सही होने चाहिए सभी बच्चों के। ओके चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें आते हैं, वेट करते हैं आप लोगों का। बाय।